बिल्कुल सही पढ़ा दोस्तों आपने, थंबनेल में AMC करवाना कंपलसरी ही आपके एप्लीकेशन के लिए। बिल्कुल सही दम दोस्तों आपने पढ़ा। क्या आपको पता है कि AMC मतलब क्या होता है? AMC लेना आपके एप्लीकेशन के लिए कंफर्ट है कि नहीं है आपको कुछ पता है? कि आपने सुन लिया AMC लेना जरूरी है, AMC लेना जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरी है? आपके एप्लीकेशन के लिए कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया इसलिए, किस लिए जरूरी है? तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा नॉलेज इस वीडियो में देखने को पूरा मिल जाएगा AMC कंपलसरी क्यों है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड वर्ड पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देख लिया कि हम इस वीडियो में पूरा बात करने वाले AMC के ऊपर। दोस्तों AMC के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे, आप एक बार जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई AMC के बारे में, लेकिन दोस्तों आज मैं फिर से AMC की वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर मेरे एक यूज़र ने कमेंट किया था कि सर आप AMC लेते हैं या नहीं लेते हैं फॉर एप्लीकेशन के लिए। दोस्तों फिलहाल हमने तो बंद किया है क्योंकि काफ़ी हैवी बर्डन चल रहा है एप्लीकेशन का, तो इसलिए हमने AMC लेना बंद कर दिया है। क्यों बंद किया इसका रीजन मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम ये बात करेंगे आपको AMC लेना कंपलसरी है कि नहीं। AMC मतलब क्या? काफ़ी लोगों को पता है AMC का मतलब क्या होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं कि AMC मतलब क्या होता है। AMC मतलब दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या एनुअल मंथली चार्ज आप बोल सकते हैं आपके एप्लीकेशन के लिए। इसमें भी काफ़ी टाइप के वेरियंट होते हैं, कोई 8 घंटे का आपको AMC करके देता है, कोई 12 घंटे का AMC करके देता है, कोई 24 घंटे करके देता है। ऐसे 3 टाइप के होते हैं। मान लीजिए आपने 8 घंटे का एप्लीकेशन का जो पेमेंट किया है उन्हें 15,000 रुपये, आपने 12 घंटे का दिया है उनको 20,000 रुपये और 24 घंटे का दिया है आपने 30,000 रुपये। ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन जो लेते हैं उनका प्राइस आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने इसमें भी 2 चीज़ के एप्लीकेशन होते हैं, एक आपका एप्लीकेशन किस टाइप का है और दूसरा आप एप्लीकेशन पे इनसे क्या क्या काम करवाने वाले हैं, AMC के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, AMC आप क्यों करवाते हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, और जिनके पास उतना बैलेंस नहीं होता है जो AMC करवाने के बारे में सोच सके। मान लीजिए किसी ने 8,000 रुपये एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, आपके पास बैलेंस आपने इकट्ठा किया, एक वीडियो स्टेटस का आपने एप्लीकेशन बनाया है 8,000 रुपये का, उसके बाद आपने डोमेन बाय की, होस्टिंग बाय किया, प्ले कंसोल अकाउंट बाय किया, टोटल आपका खर्चा चल गया 15,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी ऐसी टाइम भी आता है जिसके कारण डेवलपर आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण आपका एक एप्लीकेशन बनने में 1.5 महीना 2 महीने चला जाता है। मेरे साथ भी काफ़ी हो चुका है, मेरे यूज़र को काफ़ी लेट मिले हैं, लेकिन हो जाता है। दूसरे भी कभी कभी किसी को देने में लेट हो जाता है, इसमें आपका टाइम इसी में चले गया। उसके बाद ये है कि आप पहली बात तो गाँव से हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप गाँव से नहीं भी है तभी आपने यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखते हैं, ना जाने कितने लोग का वीडियो देखते हैं, देखा देखिए आपने एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने 15,000 रुपये कैसे भी जुगाड़ करके एप्लीकेशन बनाया है, उसके बाद आप सोच रहे हैं AMC करवाना सोच रहे हैं। AMC का मतलब देखो दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए आपने मेरी टीम रही या किसी भी टीम रहेगी, तो होता क्या है वहाँ पे एक डेवलपर की पूरी टीम रहती है जो आपके एप्लीकेशन का पूरा ध्यान देते हैं, कितने यूज़र्स आ रहे हैं, आपका एप्लीकेशन लैग नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ समझाते हैं और टाइम टू टाइम आपके एप्लीकेशन को चेक करते रहते हैं कि आपका एप्लीकेशन अच्छे से चल रहा है या वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये होता है पूरा AMC में ही आ जाता है, ठीक है। आप दूसरे डेवलपर भी AMC में क्या क्या देते हैं तो वो उनकी बात है, क्या क्या फीचर्स मिलती है आप उनसे भी आप करवाएंगे, एक बार उनसे पूरा डिटेल्स ले लीजिएगा कि AMC करवाने में कितना खर्चा आता है और आप इसमें इस पैकेज में आप कितने फीचर्स हमें दे सकते हैं, ठीक है। और AMC दोस्तों आपको जो 8,000 रुपये का जो एप्लीकेशन या 15,000 रुपये का एप्लीकेशन है उनको AMC लेने के लिए कोई भी जरूरत नहीं, जहाँ ये मेरा सोचने का तरीका है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन बना कर रखा है, ठीक है, और उसके बाद आपने आपको एडमिन पैनल भी कंट्रोल करना आता है, आपको वीडियो भी अपलोड करना आता है, आपको पता है कि इस पर एडसेंस अर्निंग होती है, एडमिन की एड यूनिट लगती है। जब आपको दोस्तों इतना सब कुछ पता है तो उस पर आपको AMC करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी फोर्स करता है, तो पहले खुद का दिमाग यूज़ कीजिए उसके बाद ही AMC कंपलसरी करवाइए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है आपने 15,000 रुपये एप्लीकेशन बनाया है, उसके बाद AMC भी 15,000 रुपये कर ली, लेकिन आपकी इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही, टोटली लॉस आपका 30,000 का होता है, जो काफी बोल सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो झटका आपको एक बार में लग सकता है, ठीक है। और AMC किसके लिए कंपलसरी है? AMC इन लोगों के साथ कंपलसरी, मान लीजिए किसी का जो बड़ा एप्लीकेशन है लाइक ड्रीम इलेवन हो गया, MLM टाइप का हो गया, तीन पत्ती हो गया, Amazon हो गया, उसके बाद किसी का एजुकेशन है कि एजुकेशन एप्लीकेशन है, उसके किसी का कोई बड़ा वेबसाइट है जो एक टीम की उनको जरूरत पड़ती है, अकेले वो लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पॉकेट में उनके पास इतना पैसा रहता है कि वो एक एप्लीकेशन बना सके, प्रमोशन कर सके और टीम एक हायर कर सके, एक एप्लीकेशन के लिए उनके पास सब कुछ रहता, तो वो AMC करवाएंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि होता क्या कि मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये का एप्लीकेशन बनाया है, एजुकेशन एप्लीकेशन, ठीक है,
बल्क में आपके पास यूज़र आ गए, 1 लाख यूज़र आ गए या 2 लाख आपके पास डाउनलोड हो गए, तो मान लीजिए एप्लीकेशन कभी एट द टाइम रात को या एट द टाइम सुबह शाम को कभी एप्लीकेशन स्लो पड़ गया या एप्लीकेशन में कुछ छोटा इशू आ गया जिसके कारण आपका एप्लीकेशन पर डाउनलोड तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, जो जिससे भी आपने MEC करवाया रहेगा वो आपका फटाफट उस पर ध्यान देंगे, ये स्लो क्यों हो गया, इतने सारे यूज़र कैसे एक बार में आ गए, स्लो क्यों हो रहा है एप्लीकेशन, बल्क का मतलब एरर कहाँ पे आ रहा है, ये सारा का सारा आपकी पूरी टीम जिससे भी आपने MEC करवाया रहेगा वो पूरी टीम आपके एप्लीकेशन पर पूरा ध्यान देगी। आप चाहे उनसे 8 घंटे के लिए काम करवाएं, 12 घंटे के लिए पेमेंट करें या उनसे 24 घंटे करवाएं, ये उनका लुकआउट रहता है कि वो कितना आपसे उस एप्लीकेशन के लिए पेमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग करवाएंगे तो ये सोचने का ठीक रहेगा, उनके पास बैलेंस है उनको समझ आता है, लेकिन दोस्तों अगर जिसके पास पैसा नहीं है देखा देखिए कि AMC मत करवाइए, जितना आपके पास नॉलेज है एक एप्लीकेशन को सीखने का उस कैंडी पहले को समझने का उतना नॉलेज लीजिए। हाँ अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है मैं दूसरा भी कोई बिजनेस करने वाला हूँ या दूसरा मुझे एप्लीकेशन बनवाना है तो दोस्तों आप AMC करवा सकते हैं, उसमें आपका ज़्यादा लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, उसमें अर्निंग का भी ज़्यादा कुछ तरीका रहता है, क्या होता है उससे थोड़ा आपका बोझ हल्का हो जाएगा, आपकी टीम भी रहेगी, आप सोच सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन पे ये लोग ध्यान दे रहे हैं तो मैं दूसरे एप्लीकेशन वर्क कर सकता हूँ या मुझे कुछ दूसरा मैं काम कर सकता हूँ, इसलिए दोस्तों आप AMC करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें मैंने काफ़ी सारी जो चीज़ें पॉइंट बताई है तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, AMC लेना ज़रूरी है कि नहीं, किन लोगों के लिए जरूरी है किन लोगों के लिए नहीं है, और आप किसी भी डेवलपर से अगर मिलते हैं और ना जाने कितने लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं एप्लीकेशन बनवाने के लिए, तो उनसे बस एक ही छोटा सवाल पूछेगा कि सर आप जो हमें AMC दे रहे हैं तो आपने आपका पैकेज क्या है, ठीक है, कितने में हमें AMC मिल रहा है, कितने दिनों के लिए आप दे रहे हैं, इसमें हमें कितना टाइम मिलेगा, इसमें आप हमें क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, ये जरूर आप उनसे पूछेगा, तो उसके बाद AMC लेंगे देन ओके। अदरवाइज होता क्या है दोस्तों, आप आधा नॉलेज देते हैं आधा नॉलेज नहीं देते हैं जिसके कारण आपको पेमेंट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप उसके बारे में सोच भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है तो प्लीज़ उस पर थोड़ा कैरी कीजिए, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।